छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक बेहद बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता और नगरपालिका अध्यक्ष दीपक कर्मा का गुरुवार को रायपुर के निजी अस्पताल में निधन हो गया है। उन्होंने 3:30 बजे अंतिम सांस ली। दीपक दंतेवाड़ा विधायक दीप्ति कर्मा और महेंद्र कर्मा के बड़े बेटे थे। उन्हें बचाने के लिए लगातार वेंटिलेटर पर रखा गया था। दीपक कर्मा के निधन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शोक जताया। दीपक कर्मा को करीब 15 दिन पहले कोरोना संक्रमण हुआ। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ दिनों बाद से उनकी हालत गंभीर रहने लगी और फेफड़ों में संक्रमण बढ़ता गया। दीपक कर्मा के निधन के बाद बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में शोक की लहर है। कर्मा की स्थिति लगातार बिगड़ती देख उन्हें रायपुर के MMI नारायण सुपर स्पेशलिटी में भर्ती किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल ही उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। राज्य में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री करुणा शुक्ला की भी कोरोना से मौत हो गई थी। इस तरह की और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 4th Eye News। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले पहुंच सके आप तक।